चुपचाप जाके अंदर बैठ। ये जाके अपनी बहन को बोल। अब ज्यादा बात की ना तो यही पिटूंगी। हट। अब बस हो गया दादा, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। दादा अस्मिता को बीच सड़क रोका, उसे बदनाम किया, उसके ऊपर हाथ। दादा अस्मिता बीवी है मेरी। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं विश्वजीत से बात करता हूँ। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? अब होने को बाकी क्या है? दादा कल घर में घुस के हमें मार डालेंगे, उसके बाद मैं रिएक्ट करूं। ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। हाँ शांत रहो, कल हम अगर मर भी गए ना तो भी शांत रहेंगे। आप खुद के लिए हमारी जिंदगी खतरे में डालना बंद कर दीजिए बाबू। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अस्मिता तू शांत हो जा, हम सब तेरे साथ है। इसी बात का तो डर है ताई कि आप सब साथ हो। इस सबसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। आओ इधर। अरे धीरज क्या कर रहा है? धीरज अरे कहाँ जा रही हूँ? धीरज क्या कर रहा है? धीरज क्या कर रहा है? क्या क्या दादा ये जमीन बेच डालते हैं, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। धीरज बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर। मिसर लस, ये जमीन बाबा ने आई के नाम पर ली थी, तुझे पता है ना बाबा की अस्थि अभी यहीं पर है। आई जरा प्रैक्टिकल बोला कर, ऐसे इमोशनल बातों से ना बैंक अकाउंट नहीं भरता। फिर तू भी सुन ले, ये जमीन नहीं बिकेगी। अहो ना ही ऐकणार, अब हमें ही कुछ करना होगा। दादा आपकी इज्जत करता हूँ इसके लिए चूप हूँ, लेकिन मेरी इज्जत के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी आ चाहिए ना तो भूल जाऊंगा हमारे बीच कोई रिलेशन है। चल अस्मिता। ए विश्वजीत, दाखुल इसमें लाइकी छोटी। अरे तूने गुंडे भेजे मेरे भाई की बीवी को डराने के लिए? अरे असली मर्द क्या बोला देना, मुझसे बात करता सीधे। ये मैं कोणाला पाठवलं नाही कळलं तो वो कहते ससुराल वाले थे। झूठ मत बोल कमीने। अरे वो पैसा मांग रहे, मरने मारने की बात कर रहे कमीने। ए कमीना किसको बोल रहा है तू? कमीना किसको बोल रहा है? धमकियां मुझे भी आ रही है समझा? कल मेरे घर पे पत्थर फेंका, मैं आया तेरे पास, तुझे दिया टेंशन नहीं ना? इसी को बोलते है दोस्ती समझा? चल तू काय का दोस्त, थूकता हूं तेरी दोस्ती में थूक। अरे जा रहे चल। सर टीचर की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के मुताबिक सर पे मेटल की किसी भारी चीज़ के चोट लगने से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ सर, और ब्रेन हैमरेज से टीचर की मौत हो गई। एक बात और सर, जख्म में कुछ अलग पार्टिकल्स भी मिले हैं जिसकी जांच अभी भी चल रही है। ये रही रिपोर्ट सर। टीचर के फोन पे रोहिणी के वीडियोज और पिक्स मिले, इससे इतना तो क्लियर है कि वो टीचर कहीं ना कहीं रोहिणी को फॉलो कर रहा था। सर रोहिणी के बच्चों से पता चला है कि उसी दिन क्राइम से पहले टीचर उनके घर आया था फीस लेने के लिए। शायद उसी वक्त उसको समझ में आ गया था कि हस्बैंड शहर से बाहर है और बच्चे जो हैं दादी के घर पर रात को रुकने वाले हैं। सर हो सकता है टीचर रोहिणी पर चांस मारने गया हो और रोहिणी के इनकार करने पर उसने उसे जान से मार दिया हो, और इसे लूट की शक्ल देने के लिए गहने लूटे हों और अब बेचने जा रहा था। हाँ ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है। सवाल एक, रोहिणी के घर पे कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई। चलो मान लेते हैं कि वो टीचर रोहिणी के घर पे रात को पहुंचा और किसी बहाने उसने एंट्री ले भी ली और फिर रोहिणी के साथ उसने जोर जबरदस्ती की, लेकिन रोहिणी के बदन पे हमें उस तरह के जोर जबरदस्ती के मार्क्स नहीं मिले। सवाल नंबर दो, अगर हम मान लेते हैं कि टीचर ने जोर जबरदस्ती की इसलिए रोहिणी ने रिएक्ट किया और उसकी वजह से टीचर ने उसे मार दिया, तो फिर वो सुबह तक वहां पे क्या कर रहा था? उसे तो निकल जाना चाहिए था, जबकि उसके स्टूडेंट्स ने पुष्टि की है कि वो उन्हें सुबह ट्यूशन पढ़ा रहा था।
तो फिर घर पे कौन और मौजूद था जिसने आर्यन और पलक पे हमला किया? सवाल नंबर 3, टीचर को किसने मारा और क्यों मारा? सवाल नंबर 4, उसके पास मिले गहने कहां गायब हो? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और को पता चल गया हो। ये भी हो सकता है कि टीचर ने अलग अलग दुकान जाके ज्वेलरी बेचने की कोशिश की हो और उसी में से किसी ने उनको अकेले पाके उनकी हत्या कर दी हो और फिर पैसे लेके भाग गया हो। सर, ऐसे देखा जाए तो ये केस बहुत ही कोइंसिडेंटल बनते जा रहा है। अब रोहिणी की हत्या टीचर ने की, किसी और ने टीचर की हत्या की रोहिणी के गहने और कैश लूटने के लिए, जिसके साथ रोहिणी का कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब हमें एक नहीं 2 मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने हैं। टीचर के दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबके बारे में पता लगाओ, सबके डिटेल्स निकालो फौरन। सर, हेलो। हाँ, ओके, थैंक यू। सर, साइबर ब्रांच से कॉल आया था सर। उन्होंने रोहिणी के मोबाइल से उस मिस्टीरियस नंबर पे फूटी कोटी पर मिलने के लिए मैसेज भेजा था और वो मान गया सर। थोड़ी देर में मिलने के लिए आ रहा है। वेरी गुड। बेटा फोन लगाओ। हेलो। हाँ, हम पहुंच गए हैं, आप कहाँ हो? तेरे सामने ही हो बेटा, चल चल। तुम्हारा नाम अक्षत है ना? हाँ सर। रोहिणी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? कौन रोहिणी सर? रोहिणी का रजिस्टर्ड नंबर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? और तुम उससे मिलना क्यों चाहते थे जबकि उसका मर्डर हो चुका है? क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहिणी का मर्डर हो चुका है और हम उसके कातिल को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आपका क्या रिश्ता है रोहिणी के साथ? मैं रोहिणी की माँ हूँ, अक्षत उसका बेटा। सर, माँ लगभग मेरे ही एज की थी, तभी एक विक्रम नाम के गुंडे ने माँ की इज्जत लूट ली। उन्होंने कोर्ट में गवाही दी और उस गुंडे को जेल भेज दिया गया। उस हादसे के बाद वो पेट से हो गई। हमने उससे बोला गिराने के लिए, पर मेरी बेटी ने बच्चे को गिराने से मना कर दिया। ये बात मैंने सबसे छुपाई, फिर भगवान की कृपा से हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने अपनी बेटी की शादी दूसरे शहर जाके निकल से करा दी और फिर हमने तीर्थ यात्रा जाने का नाटक किया और हमने ये दिखाया कि बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड में हम लोग मारे गए। मैं बचपन से अपने नाना नानी को मेरे माँ बाप समझता रहा सर, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और लॉजिकली सोचा तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों तो मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।